न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, संबोधित करें, सीधा सुन लेते हैं। ये एक पूरे इतिहास को अपने आप में समेटे हुए है। इस पोर्ट ने भारत को विदेशी राज से स्वराज पाते हुए देखा है। सत्याग्रह से लेकर स्वच्छाग्रह तक इस पोर्ट ने देश को बदलते हुए देखा है। ये पोर्ट सिर्फ मालवाहकों का ही स्थान नहीं रहा, बल्कि देश और दुनिया पर छाप छोड़ने वाले ज्ञान वाहकों के चरण भी इस पोर्ट पर पड़े। अनेक मनीषियों ने अनेक अवसरों पर यहीं से दुनिया के अपने सफर की शुरुआत की थी। एक प्रकार से कोलकाता का ये पोर्ट भारत की औद्योगिक, आध्यात्मिक और आत्मनिर्भरता की आकांक्षा का जीता जागता प्रतीक है। ऐसे में जब ये पोर्ट 150वें साल में प्रवेश कर रहा है, तब इसको न्यू इंडिया के निर्माण का भी एक ऊर्जावान प्रतीक बनाना हम सबका दायित्व है। पश्चिम बंगाल की देश की इसी भावना को नमन करते हुए मैं कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम भारत के औद्योगिकरण के प्रणेता, बंगाल के विकास का सपना लेकर जीने वाले और एक देश एक विधान के लिए बलिदान देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर और एक देश एक विधान के लिए बलिदान देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा करता हूं। अब ये पोर्ट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाएगा। साथियों, बंगाल के सपूत डॉक्टर मुखर्जी ने देश में औद्योगिकरण की नींव रखी। चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री, सिंदरी फर्टिलाइजर कारखाना और दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ऐसे अनेक बड़ी परियोजनाओं के विकास में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और आज के इस अवसर पर मैं बाबा साहब आंबेडकर को भी याद करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। डॉक्टर मुखर्जी और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर दोनों ने स्वतंत्रता के बाद के भारत के लिए नई नई नीतियां दी थी, नया विजन दिया था। डॉक्टर मुखर्जी की बनाई पहली औद्योगिक नीति में देश के जल संसाधनों के उचित उपयोग पर जोर दिया गया था।
तो बाबा साहब ने देश की पहली जल संसाधन नीति और श्रमिकों से जुड़े कानूनों के निर्माण को लेकर अपने अनुभवों का उपयोग किया। देश में नदी घाटी परियोजनाओं का, डैम्स का, पोर्ट्स का निर्माण तेजी से हो पाया तो इसका बड़ा श्रेय इन दोनों महान सपूतों को जाता है। इन दोनों व्यक्तित्वों ने देश के संसाधनों की शक्ति को समझा था, उसे देश की जरूरतों के मुताबिक उपयोग करने पर जोर दिया था। यही कोलकाता में 1944 में नई वाटर पॉलिसी को लेकर हुई कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने कहा था कि भारत की वाटरवेज पॉलिसी व्यापक होनी चाहिए, इसमें सिंचाई, बिजली और यातायात जैसे हर पहलू का समावेश होना चाहिए। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि डॉक्टर मुखर्जी और बाबा साहब के सरकार से हटने के बाद उनके सुझावों पर वैसा अमल नहीं किया गया जैसा किया जाना चाहिए था। साथियों, भारत के विशाल समुद्री सीमा लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी है। दुनिया में समुद्र तट से जुड़ा होना आज भी बहुत बड़ी ताकत माना जाता है। लैंडलॉक कंट्रीज अपने आप को कभी कभी असहाय महसूस करते हैं। पुराने समय में भारत की भी एक बहुत बड़ी शक्ति थी, गुजरात के लोथल पोर्ट से लेकर कोलकाता पोर्ट तक देखें तो भारत की लंबी कोस्टलाइन से पूरी दुनिया में व्यापार कारोबार होता था और सभ्यता संस्कृति का प्रसार भी होता। साल 2014 के बाद भारत की इस शक्ति को फिर से मजबूत करने के लिए नए सिरे से सोचा गया, नई ऊर्जा के साथ काम शुरू किया गया। साथियों, हमारी सरकार ये मानती है कि भारत के बंदरगाह भारत की समृद्धि के प्रवेश द्वार है और इसलिए सरकार ने कोस्ट पर कनेक्टिविटी और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया। सागरमाला परियोजना के तहत देश में मौजूद पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन और नए पोर्ट के डेवलपमेंट का काम लगातार किया जा रहा है। सड़क, रेलमार्ग, इंटरस्टेट वाटरवेज और कोस्टल ट्रांसपोर्ट को इंटीग्रेटेड किया जा रहा है। ये परियोजना कोस्टल ट्रांसपोर्ट के जरिए माल ढुलाई को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत करीब 6,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के 625 प्रोजेक्ट की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और लगभग 125 पूरे भी हो चुके हैं।
साथियों, सरकार का प्रयास है कि ट्रांसपोर्टेशन का पूरा फ्रेमवर्क आधुनिक और इंटीग्रेटेड हो। हमारे देश में ट्रांसपोर्ट नीतियों में जो असंतुलन था उसे भी दूर किया जा रहा है। इसमें भी पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट को इनलैंड वाटरवे यानी नदी जलमार्ग आधारित योजनाओं से विशेष लाभ हो रहा है और आने वाले समय में जल शक्ति के माध्यम से पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का नेटवर्क भारत के विकास में एक स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में उभर करके आने वाला। बहनों और भाइयों, कोलकाता तो जल से जुड़े विकास के मामले में और भी भाग्यशाली। कोलकाता पोर्ट देश की समुद्री परिधि में भी है और नदी के नट पर भी स्थित है। इस प्रकार से ये देश के भीतर और देश के बाहर के जलमार्गों की एक प्रकार से संगम स्थली है। आप सभी भलीभांति जानते हैं कि हल्दिया और बनारस के बीच गंगा जी में जहाजों का चलन शुरू हो चुका है। और मैं काशी का एमपी हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से अब आपसे सीधा जुड़ चुका हूं। देश के इस पहले आधुनिक इनलैंड वाटरवे को पूरी तरह से तैयार करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। इस वर्ष हल्दिया में मल्टी मॉडल टर्मिनल और फरक्का में नेविगेशनल लॉक को तैयार करने का प्रयास है। साल 2021 तक गंगा में बड़े जहाज भी चल सकें इसके लिए भी जरूरी गहराई बनाने का काम प्रगति पर है। इसके साथ साथ गंगा जी को असम के पांडु और ब्रह्मपुत्र से जोड़ने वाले इनलैंड वाटरवे 2 पर भी कार्गो ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो चुका है। नदी जलमार्ग की सुविधाओं के बनने से कोलकाता पोर्ट पूर्वी भारत के औद्योगिक सेंटर से तो जुड़ा ही है। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार जैसे देशों के लिए व्यापार और आसान हुआ है। साथियों, देश के पोर्ट्स में आधुनिक सुविधाओं का निर्माण, कनेक्टिविटी की बेहतर व्यवस्था, मैनेजमेंट में सुधार जैसे अनेक कदमों के कारण कार्गो के क्लियरेंस और उसके ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े समय में कमी आई। टर्न अराउंड टाइम बीते 5 वर्ष में घटकर लगभग आधा हो गया। ये एक बड़ा कारण है जिसके चलते भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 79 रैंक का सुधार हुआ है। साथियों, आने वाले समय में वाटर कनेक्टिविटी के विस्तार का बहुत अधिक लाभ पश्चिम बंगाल को होगा, कोलकाता को होगा, यहां के किसानों, उद्योगों और श्रमिकों को होगा, यहां के मेरे मछुआरे भाइयों बहनों को होगा। हमारे मछुआरे भाई जल संपदा का पूरा इस्तेमाल कर पाए इसके लिए सरकार ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम चला रही। इसके तहत उन्हें इस क्षेत्र में
वैल्यू एडिशन करने के साथ ही टॉलर्स के आधुनिकीकरण में भी मदद की जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मछुआरों को अब बैंकों से सस्ता और आसान ऋण भी उपलब्ध हो रहा है। एक तरफ हमने अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाया है, उसी को ताकत देने वाला और उसी से अधिकतम फायदा लेने वाला अलग फिशरीज मिनिस्ट्री भी बनाई है। यानी विकास को हम कहां ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में जाना चाहते हैं, उसका संकेत इन रचनाओं में भी समाहित है। साथियों, पोर्ट लेड डेवलपमेंट एक व्यापक इकोसिस्टम का विकास करता है। इस जल संपदा का उपयोग पर्यटन के लिए, समुद्री पर्यटन, नदी जल पर्यटन, आजकल लोग क्रूज के लिए विदेशों में चले जाते हैं, ये सारी चीजें हमारे यहां बहुत आसानी से विकास किया जा सकता है। ये सुखद संयोग है कि कल ही पश्चिम बंगाल की कला और संस्कृति से जुड़े बड़े सेंटर्स के आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई और आज यहां वाटर टूरिज्म से जुड़ी बड़ी स्कीम लॉन्च हुई है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। मंच से कई बड़ी बातें उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कही, साथ ही साथ एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट के नाम पर होगा। एक ब्रेक